हे गाइस, अनुकृति। तो आज हम बनाने वाले हैं हजमोला अनारदाना का डायगोना कैंडी। वैसे ना, हमने हजमोला का डायगोना कैंडी पहले बनाया था, तो आप में से बहुत सारे लोग बोले थे कि आपको अनारदाना का डायगोना कैंडी देखना है। तो हमने सोचा चलो यार बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अनारदाना लिया और उसे कूट कूट के बिल्कुल पाउडर बना दिया और शुगर डाल के मेल्ट कर दिया। और बेकिंग सोडा डालने के बाद कितना ज्यादा फ्लफी हो गया ये, जस्ट लुक एट दिस, कितना परफेक्ट लग रहा है। और हाँ गाइस, आज ना हमने ना रसगुल्ला का डायगोना कैंडी और पॉपी डायगोना कैंडी बनाया था। वो आपने मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, बहुत बहुत मजा आया था उसमें बनाने में हमें। और आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर चेक करना। एंड जस्ट लुक एट दिस, हमारा ये अनारदाना का डायगोना कैंडी कितना परफेक्ट बन गया है, कितना ज्यादा ग्लॉसी और सुंदर लग रहा है ये। बट आई जस्ट होप कि ये दिखने में इतना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा खाने में भी लगे। एंड जस्ट टेस्ट करके देखते हैं कैसा ये। पता है क्या, मैंने ये तोड़ा ना तो ये पूरा ही टूट गया, बट क्या करे, लेकिन खाने में तो सेम ही लगेगा। एंड और पता है क्या, इसका टेस्ट है ना बहुत ज्यादा चटाकेदार था, मुझे तो काफी अच्छा लगा। सो गाइस, आप कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट डायगोना कैंडी किसका देखना है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।